नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, शिक्षा विद्या शाखा, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पेपर E10 बीएड E10 इकाई 10 ब्लॉक 4 जेंडर पक्षपात, पाठ्यचर्या में जेंडर और समानता आज हमारा विषय है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन किन कारणों से पाठ्यचर्या निर्माण में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है, तथा इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर इसे आगे बढ़ाया जाता है, पाठ्य वस्तुओं का चयन कैसे होता है, परंपराओं और समाज से संबंधित चीज़ें इसमें कैसे लाई जाती हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या में जेंडर असमानता का आधार, मित्रों पहले हम यह समझ लें कि यह पाठ्यचर्या और विद्यालय, यह दोनों किन परिस्थितियों में समाज द्वारा स्थापित और विकसित किए जाते हैं। चूंकि समाज पहले है, विद्यालय उसका एक प्रतिरूप है, ऐसी परिस्थिति में हम पहले उन परिस्थितियों चीज़ों को जान लें जिनके आधार पर समाज में एक विद्यालय विकसित हुआ। समाज में विद्यालय विकसित होने के पीछे जो समाज की निहित परंपराएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो महिला पुरुष और तीसरे जेंडर की जो उपस्थिति है उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, उसके सामाजिक कार्यक्रमों में या उसके अन्य वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों में, वह किस गतिविधियों में वह किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाता है या अपनाती है, उसको आधार बनाकर हम आगे उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और समाज को आगे ले जाते हैं। इसको हम इस प्रकार समझें कि इस पुरुष सत्तात्मक समाज में हमारी जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, वैयक्तिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वह किसी न किसी रूप में पक्षपातपूर्ण मानी जाती हैं। यह बिल्कुल लगभग अस्थाई सत्य है और केवल यह किसी एक देश या किसी एक भूभाग में नहीं, पूरी दुनिया में। अब यह परंपराएं जो विकसित हुई हैं, यह परंपराएं और समाज का और उनकी परंपराओं का और व्यक्ति का, इन तीनों का आपसी समन्वय, इस समन्वय के कारण आप देखेंगे कि समाज और व्यक्ति, चाहे वो तीनों जेंडर में से कोई हो, इनके प्रक्रिया, इनकी जो गतिविधियां हैं समाज में, उन गतिविधियों का कोई लेखा जोखा हमारे पास तो नहीं होता है, लेकिन जब विद्यालय स्थापित होता है तो इनको हम एक क्रमबद्ध ज्ञान के की प्राप्ति के लिए इसको विद्यालय में ले आते हैं और विशेषज्ञों की सहायता से, समय की आवश्यकता से, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इन्हें विकसित करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी पुनर्समीक्षा करते हैं। इसके बाद इनमें वांछित परिवर्तन करते हुए आवश्यकता अनुसार एक पाठ वस्तु का निर्माण करते हैं। पाठ वस्तु के निर्माण में जो परिस्थितियां बनती हैं, जो स्थितियां बनती हैं, उसको हम ध्यान में रखकर एक पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। आप देखें कि बदली परिस्थितियों में, आज के वैश्विक परिस्थितियों में जो व्यवस्था है, तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक और यांत्रिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब वह परिस्थितियां नहीं हैं जैसे पहले हम परंपरागत ज्ञान को ग्रहण करते थे और समाज में, समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए या किसी और भी इस तरह की संस्थाओं के विकास के लिए उनका प्रयोग करते थे। अब वह परिस्थितियां नहीं हैं। अब परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं आंतरिक परिवर्तनों के कारण। हम यहाँ बात करें पाठ्यचर्या निर्माण और विकास की प्रक्रिया में पिछले कई दशकों से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पर परिवर्तन परंपरागत ज्ञान की अवधारणा पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि परंपरा एवं सामाजिक संरचना का यह घोषित समन्वय है, क्योंकि परंपराएं इसी समाज का अभिन्न अंग है, वही सामाजिक आवश्यकताएं विद्यालय नामक संस्था के विकास का मौलिक स्रोत है, जिसमें व्यक्ति एक प्रमुख घटक है।
इस घटक को जैविक शारीरिक लक्षणों के आधार पर तीन प्रकार की पहचानों में विभाजित किया जाता है, जबकि इनकी आवश्यकताएं लगभग एक ही हैं, किंतु समाज इन तीनों ही पहचानों पर आधारित व्यक्तियों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की अलग अलग घोषणा करता है। यही घोषणा व्यक्तिगत अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करती है, जिसको आधार बनाकर विद्यालयों की अवधारणा सनई सनई विकसित होगी। अब इस पर हम बात करते हैं कि समाज में जो जैव शारीरिक लक्षण हैं किसी भी जेंडर के, वह तो उसको हम आधार बनाकर इनको तीन विभागों में बांट देते हैं, और उसी के आधार पर, उन जैव लक्षणों के आधार पर इनके उत्तर दायित्वों और अधिकारों को निश्चित करते हैं। जबकि व्यक्ति व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ है, पृथ्वी पर आया है, उसमें प्रकृति ने किसी प्रकार के उसके उत्तरदायित्व और अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया है। या हाँ, यह अवश्य है कि उसकी जैविक क्रियाओं में उसने अपने प्रकृति ने अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया है, क्योंकि प्रकृति की भी तो आवश्यकता है। वह अगर किसी प्राणी को पैदा कर रहा है, पृथ्वी पर वो ला रहा है, वह तो उसकी अपनी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रकृति ने कम से कम तीन व्यक्तियों में तीन जेंडर निर्धारित किए हैं, महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर। अब पुरुष सत्तात्मक समाज में इनको हमने आधार बनाकर तीन जेंडर्स में विभाजित कर दिया है। अब देखेंगे आगे कि इन्हीं को आधार बनाकर जब विद्यालयों की स्थापना होती है, विद्यालयों का विकास होता है, तो उन विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में हम पढ़ाएंगे क्या। अब चूंकि विद्यालय में जो कोर्स हम निर्धारित करते हैं, जो पाठ्यचर्या हम निर्धारित करते हैं, उस पाठ्यचर्या में विषय वस्तु का जो चयन होता है वो कहीं और से तो आएगा नहीं। वो तो जब भी आएगा तब समाज की क्रियाविधियों पर ही आधारित होगा। समाज की सामाजिक और वैयक्तिक, विशेष रूप से सामाजिक और वैयक्तिक गतिविधियों पर ही आधारित होगा। अब यह जब यह दो मुख्य स्रोत हैं पाठ्यचर्या निर्माण के, जब दो मुख्य स्रोत हैं, एक तो सामाजिक और दूसरी वैयक्तिक गतिविधियां, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि जेंडर के अनुसार अंतर है। वह अंतर इसलिए है कि पुरुष सत्तात्मक समाज में या असंतुलित समाज में, अधिकारों का जहां असंतुलन हो, उन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि एक वर्ग जैसे पुरुष किसी भी गतिविधि में उसकी सक्रियता ज्यादा होती है, जबकि महिला की सक्रियता कम होगी। एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं कि अभी आप सामान्य रूप से सर्वेक्षण करें और कहीं भी निकल जाए, शहर में, कस्बे में, मोहल्ले में, तो आप देखेंगे कि गतिविधियां, जो आने जाने की गतिविधियां हैं, सामान्य सी गतिविधियां हैं, उसमें पुरुषों की उपस्थिति अधिक है, महिलाओं की उपस्थिति कम है। तो यह एक प्रकार का संकेत है कि इसी प्रकार की गतिविधियों में भी, इसी तरह सारी गतिविधियों में, जो सामाजिक और वैयक्तिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी गतिविधि हो, उसमें महिला और पुरुष की उपस्थिति और तीसरे जेंडर की भी उपस्थिति में अंतर पाया जाता है। और वह अंतर उनकी क्रियाविधि के कारण होता है कि उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, वो कैसे शामिल हो रही हैं किसी भी आर्थिक गतिविधि में, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, किसी भी सामाजिक गतिविधि में, वह कितनी भागीदारी है, वह भागीदारी क्यों कम है या ज्यादा है। कम इसलिए है कि उनके अधिकार कम है, और वहीं पुरुष के अधिकार ज्यादा हैं। और रही बात तीसरे जेंडर की, तो तीसरे जेंडर तो अभी बहुत हाल में उसे मान्यता प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनकी तो उपस्थिति ही, वैसे भी प्राकृतिक रूप से उनकी उपस्थिति पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है, और दूसरे उनकी सामाजिक स्वीकार्यता कम थी, जो बाद में अभी तकनीकी रूप से स्वीकार की गई है, तो उनकी और कम है। ऐसी परिस्थितियों में एक जगह तो अधिकार और उत्तरदायित्व अधिक हैं, एक जगह अधिकार उत्तरदायित्व कम है। तो जब मूल स्रोत हमारे इनकी गतिविधियां ही है, क्योंकि वो गतिविधियां कई बार परंपराओं में आ जाती हैं, उन परंपराओं का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन जब विद्यालयों का निर्माण हुआ तो समाज को ये आवश्यकता महसूस हुई
कि इस ज्ञान को आर्टिकुलेट करें, इस ज्ञान को लिखने पढ़ने में ले आए और इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, तार्किक तरीके से इसको विकसित करके समाज को फिर वापस समाज में दें, ताकि समाज इससे समुन्नत हो और आगे बढ़े और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। इस नाते विद्यालयों की जो अवधारणा थी उसमें अब तो कई तरह के विद्यालय हो गए हैं, उसमें और भी कई कई चीज़ें और भी जुड़ गई हैं जो जीवन को और सहज और सुखद बनाने के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन मौलिक रूप से जो विद्यालयों की अवधारणा थी वह समाज के हित को सर्वोपर रखकर और व्यक्ति के हित को सर्वोपर रखकर बनाई गई थी। दोनों समानांतर चीजें थे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस तरह बनाया गया था। आगे हम देखते हैं विद्यालय की पाठ्यचर्या में जेंडर असमानता। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि सामाजिक संरचना में असमान उत्तरदायित्व और अधिकार चिन्हित किए गए, ऐसे में जब विद्यालय की पाठ्यचर्या का निर्माण होता है तो निश्चित ही इन्हीं को आधार बनाया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण में सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझ लें, मैंने पीछे बात की है आपसे कि विद्यालय की आवश्यकता ज्ञान को क्रमवार रूप में, जिसकी का तार्किक प्रेजेंटेशन हो, जिसकी कोई उपयोगिता हो समाज को, व्यक्ति को समुन्नत करने में। अब हमको यह समझना है कि यह जो पाठ्यवस्तु के विद्यालय की पाठ्यचर्या निर्माण में पाठ्यवस्तु का चयन, हम किन आधारों पर किसी पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में पाठ्यवस्तुओं का चयन करेंगे। आप देखेंगे कि महिलाओं एवं बालिकाओं की उपस्थिति विषयवस्तु के चयन का स्रोत बनती है, क्योंकि इन विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है प्रकारांतर में पाठ्य वस्तु का हिस्सा बनती हैं, उन्हें क्रमवार विकसित करके पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। इसी क्रम में कई प्रकार के स्तरों के अभ्यास के रूप में इसे पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। क्यों हम किस आधार पर किसी पाठ्य वस्तु का चयन करेंगे? मान लीजिए कि हम भाषा पढ़ा रहे हैं, उस भाषा में कौन सी कविता, कौन सा निबंध, कौन सा गद्य और क्यों हम अपने पाठ्य पुस्तकों में ले आएंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम इसकी इस विषय वस्तु को रखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह हो सकता है कि किसी प्रकार का मैसेज देना हम चाहते हैं, भाषा संबंधी ज्ञान हम बढ़ाना चाहते हैं, या किसी और प्रकार की गतिविधि में बच्चों को हम पारंगत बनाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे, आप देखें पूरी भाषा की शिक्षा में जो विद्यालय स्तर पर दी जाती है उसमें जितने भी आपको कहानियाँ मिलेंगे, निबंध मिलेंगे, नाटक मिलेंगे, कविताएँ मिलेंगी, उसमें महिलाओं की उपस्थिति आपको या तो कई कई रचनाओं में तो या तो कम मिलेगी या नहीं के बराबर मिलेगी। वहीं पुरुष पात्रों की संख्या अधिक मिलेगी और उनकी गतिविधियां भी अधिक मिलेंगी। अब यह जानबूझ के तो नहीं किया जाता है, लेकिन जब रचनाएं ही ऐसी आ रही हैं और एक रचनाएं नहीं बल्कि सारी रचनाएं ऐसी हैं तो उन्हीं में से कोई चयन करना पड़ता है। अब एक और भी आपको उदाहरण बताऊं, जैसे आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में जो छपाई का काम होता है, जो मुद्रण का काम होता है, मुद्रण में प्रायः पुरुष वाचक संबोधन होता है। जैसे एक गांव में फला व्यक्ति रहता था, उसको मतलब किसी न किसी परिस्थिति में पुरुष वाचक संबोधन होता है। महिलाओं की उपस्थिति, एक सर्वे के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि यह फाइंडिंग्स आई हैं कि केवल और केवल टेक्स्ट में, लिखावट में, मुद्रण में केवल 20% संबोधन महिलाओं के लिए होता है। यह यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि महिलाओं की जो गतिविधियां हैं वह सीमित हैं,
वह पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, या तीसरी दुनिया के देशों में है, या दक्षिण एशिया के देशों में है, या एशिया में है, या अफ्रीका में, ऐसा नहीं है। यह पूरी दुनिया में महिलाओं की उपस्थिति के आधार पर किस्से, कहानियाँ या इस तरह के और चीज़ें विकसित हुई हैं। अब जिसकी वजह से जब उनकी उपस्थिति ही नहीं है तो पात्रों के रूप में उनका चयन कम है, तो जब मुद्रण की प्रक्रिया किसी पाठ्य पुस्तक की होती है या पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो नहीं आ पाती, उनको नहीं लिया जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अगर एक संतुलित समाज की संरचना चाहते हैं, संरचना करना चाहते हैं, उस पर विकास करना चाहते हैं, उसको अग्रसर करना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और सामाजिक गतिविधियों में उनको आगे ले आना चाहिए और उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं का को ध्यान में रखकर उन्हें सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जब उनकी उपस्थिति समाज में और उससे जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों में होगी तब निश्चित रूप से वह किसी भी प्रकार की रचना में, किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों में वह ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगी। तो जब ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी होगी तो जब उस पर कुछ लिखा जाएगा, उस पर कुछ बोला जाएगा, उस पर कुछ भी किया जाएगा, उस पर संगोष्ठी की जाएगी, उस पर वर्कशॉप किया जाएगा, कार्यशाला की जाएगी, तो उसमें उनकी गतिविधियों का उल्लेख होगा। जब उल्लेख होगा तो ऐसी परिस्थितियों में हम देखेंगे कि उल्लेख के आधार पर वह पाठ्य वस्तु का आधार बनेगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसको इससे संबंधित और भी विद्यालय से पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जेंडर पक्षपात, यह एक विद्यालय में चूंकि पाठ्यचर्या एक बड़ा विशद कार्यक्रम होता है, जैसे विद्यालयी प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे गतिविधियां हैं, चाहे वो एकेडमिक चाहे नॉन एकेडमिक, पढ़ने लिखने से संबंधित या पढ़ने लिखने के इतर पाठ्य सहगामी, मतलब कुछ तो प्रयोगशालाओं में काम होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पुस्तकों में दिए गए हैं और उन्हें हमें फील्ड में करना होता है, जैसे सर्वे करना है, बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना है, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने हैं, बच्चों को प्रदर्शनी में ले जाना है, उनको शैक्षिक भ्रमण कराना है, यह सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें सामूहिक रूप से पूरी कक्षा भाग लेती है। अब पूरी कक्षा भाग लेगी तो उसमें तीनों जेंडर की उपस्थिति होगी, तीनों जेंडर से आशय मेरा यहाँ है कि उसमें बालक भी होंगे, बालिकाएं भी होगी और थर्ड जेंडर के लोग भी होंगे क्योंकि वह भी मुख्य धारा में सम्मिलित किए कर लिए गए हैं। अब शिक्षक क्या करते हैं, जाने अनजाने वह परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में पहले से भी चला आ रहा है कि वह कुछ ऐसा वर्गीकरण करते हैं समूहों का, जैसे स्पोर्ट्स में भी है, आप जैसे खेलकूद प्रतियोगिता हो, एक उदाहरण लें, हम खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें हम देखेंगे कि प्रायः शिक्षक के द्वारा यह किया जाता है कि वह विद्यार्थियों को कुछ इस तरह के समूह में विभाजित करता है जिसमें लड़कों को अलग तरह का काम, अलग तरह का गेम, अलग तरह का खेल, महिलाओं को अलग तरह का खेल, वर्गीकृत कर देता है कि यह, और उसमें ध्यान यह रहता है कि लड़कियों को कम श्रम साध्य काम करना पड़े और लड़कों को अपेक्षाकृत ज्यादा श्रम साध्य काम करना पड़े, मतलब उससे संबंधित क्रीड़ा करनी पड़े। अब यह इस तरह की जो टैगिंग होती है, यह टैगिंग जो है वह जाने शिक्षक तो कभी भी यह जानबूझ के नहीं करता है, वह शारीरिक संरचना के आधार पर, उसके भौतिक संरचना के आधार पर, मतलब उसके शक्ति के आधार पर इस तरह का वर्गीकरण करता है। किंतु छोटे बच्चों में जो स्कूल के स्तर पर हैं उनके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि हम यह काम कर सकते हैं और फला यह काम नहीं कर सकती है या नहीं कर पाएंगे, या उस बालिका के दिमाग में, लड़की के दिमाग में यह बात
घर कर जाती है कि ये कठिन काम जो है हम नहीं कर पाएंगे, यह बात जो है यह बात पूरी तरह सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप जब टैगिंग करेंगे, जब अंतर करेंगे, तो बच्चे के मन में इस प्रकार का पक्षपात आ ही जाएगा। उसको रोकने की जरूरत है, उसको रोकने की, उसको किस तरह विद्यालयों में रोका जाए, इसको किस तरह विद्यालयों में एक इसको कम किया जाए, इस वर्गीकरण को कम किया जाए। एक और उदाहरण, जैसे स्कूलों से लेकर छोटी कक्षाओं को तो छोड़ दिया जाए, थोड़ा ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कक्षाएं ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती हैं, उन कक्षाओं में हम देखते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट हम बच्चों का अलग अलग करते जाते हैं, या हम करते तो हैं, एक हमारे पास जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है, हमारी परंपरा है, कई बार हमारी रूढ़ियाँ और अंधविश्वास भी इसमें शामिल होते हैं, तो हम करते तो इसलिए हैं वो कि दोनों जेंडर को हम अलग करके और अलग करके बैठाएंगे, जिससे बच्चों को और बच्चियों को दोनों को सुविधा असुविधा का ध्यान हम रखते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं टैगिंग होती है। यह मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ विकसित होती हैं कि हम अलग हैं और हम अलग हैं। अब अलग है तो दो जेंडर तो बनेंगे ना, दो जो 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 जेंडर जो दोनों आपने आइडेंटिफाई किया है, एक शिक्षक ने आइडेंटिफाई किया है, समाज ने आइडेंटिफाई किया है, परिवार ने आइडेंटिफाई किया है और उसको मान्यता दी है। अब हमने परिवार से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यह लड़का है या लड़की है। ऐसी परिस्थिति में जब हम दोनों को सीटिंग अरेंजमेंट, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ और विद्यालयों में जो पाठ्य वस्तु है उसमें तीनों में अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग जब कर रहे हैं तो तीनों की चीज़ें जो हैं वह अलग 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 उनके मन पर उस तरह का प्रभाव डालती हैं। तो जो पक्षपात की बात है उसको कम करने के लिए हमें छोटी कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में भी जेंडर के आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किसी प्रकार का इस तरह की का वर्गीकरण भी नहीं करना चाहिए जिसमें कि दोनों विद्यार्थियों के समूहों में, लड़के लड़कियों, ट्रांसजेंडर में या तीनों में ही किसी प्रकार का इस तरह का परिवर्तन दिखाई दे। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जेंडर पक्षपात, हमने बात किया कि इसको कम करना चाहिए। अब यह समाप्त कैसे होगा? यह समाप्त करने के पीछे पहला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। देखिए, सामाजिक परिवर्तन, हम इस बात को समझ लें कि सामाजिक परिवर्तन समाज की आवश्यकता के अनुसार जो घटनाएं होती हैं, जो एजेंट उसमें काम करते हैं, जो कारक उसमें काम करते हैं, जो फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप सनई सनई सामाजिक परिवर्तन होता है। और वह सामाजिक परिवर्तन अब अगर किसी प्रकार से रोका न जाए, उसको बलपूर्वक रोका न जाए, उसमें पाबंदियां न लगाई जाए, तो समाज अपने हिसाब से परिवर्तित होने का शायास प्रयास करता है। अब समाज तो कोई भौतिक वस्तु है नहीं, उसमें भौतिक वस्तु तो व्यक्ति और उससे जुड़ी हुई चीजें ही हैं, तो उसमें परिवर्तन को अगर बलपूर्वक या किसी और गतिविधि से रोका न जाए तो सामाजिक परिवर्तन सहगामी क्रियाओं में जेंडर पक्षपात को कम करता है या रोकता है। दूसरा है अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का तार्किक निराकरण। चूंकि यह बंद किस्म का समाज है हमारा, हम इसमें हजारों साल पुराना समाज है, इसमें वैज्ञानिक सोच तो थी लेकिन परिस्थितियों बस इसमें कई बार उतार चढ़ाव राजनीतिक कारणों से हुआ। अब राजनीतिक कारणों से हुआ तो इन परिस्थितियों में कई बार अंधविश्वास है, उन अंधविश्वासों को समाप्त करके, उनका निराकरण करके, उनका तार्किक निराकरण करके, तार्किक निराकरण करके महिला पुरुष और तीसरे जेंडर में समानता लाने की कोशिश किया जाए। उसी प्रकार कुछ रूढ़िगत बातें हैं, कुछ चीज़ें हमारी परंपरा में शामिल कर ली गई हैं लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इस पूरी जो मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ, इस पूरी बात में ही महिला और पुरुष के बीच में उसके जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर उसके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के से कम या ज़्यादा कर देना या कहाँ से तर्कसम्मत है, या तर्कसम्मत तो कतई नहीं है, लेकिन यह परंपरा में है
और परंपरा में इसने स्थान प्राप्त कर लिया है, इस नाते यह रूढ़िगत हो गया है। इसको तार्किक रूप से समझने की कोशिश है, प्रयास करने की कोशिश है कि इसको सनई सनई कम कर दिया जाए और इसका तार्किक विश्लेषण किया जाए कि क्यों जब प्रकृति में यह तीनों ही जेंडर या प्रकृति का काम है, ये बन रहा है तो ऐसी ये पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर इनको क्यों, इनका उत्तरदायित्व और अधिकार हम क्यों अलग अलग करें और क्यों कम और ज़्यादा करें, उसको समझने की जरूरत है। शिक्षा के प्रति जागरूकता, हमारी साक्षरता दर 75% से ऊपर ही हो गई है, क्योंकि हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% हमारी ओवरऑल लिटरेसी रेट थी, जो पिछले 10 सालों में निश्चित रूप से ज़्यादा हुई है, क्या बल्कि 12 साल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में या इसकी जो 74.04% से बढ़कर ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 90% के आसपास होगी, तो ऐसी स्थिति में 90% के आसपास जो समाज लिटरेट हो, साक्षर हो, जिसमें महिला पुरुष और तीसरे जेंडर तीनों ही हैं, तो जब इतनी साक्षर, लेकिन उसके बरक्स, उसके समानांतर या उसके अनुपात में हम अभी भी शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। जागरूक से आशय यहाँ यह है कि उसमें कई फैक्टर हैं, जैसे कई कारक हैं, जैसे अभी हमारी प्रारंभिक शिक्षा में स्कूलों के स्तर पर जो बड़े शहरों या छोटे शहरों या कस्बा के क्षेत्रों में जहाँ संसाधन ज़्यादा हैं, वहाँ शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा में क्वालिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा है ऐसा माना जाता है। इसके पीछे किसी प्रकार का कोई रिसर्च और अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, एक अवलोकन के आधार पर ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन वहाँ भी कमोबेश असंतुलन है, महिलाओं में, पुरुषों में, तीसरे जेंडर में असंतुलन है, लेकिन वहाँ जहाँ केवल नाम मात्र की शिक्षा है, केवल लिटरेसी प्राप्त कर लेने के लिए लिटरेसी है, वहाँ अभी भी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता नहीं है, उसका तार्किक विश्लेषण नहीं है। तो हम इसको कम करने के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करके विद्यालयों में जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जो पक्षपात है उसे कम कर सकते हैं। क्यों? वो ऐसे कम होगा कि जो दोनों में डिफरेंस है, पुरुष और महिला में जो दोनों में डिफरेंस है, लड़के और लड़कियों में जो दोनों में डिफरेंस है, उसको कम करेंगे, उसकी तार्किक व्याख्या करेंगे, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति के रूप में दोनों या तीनों जेंडर पैदा हुए हैं, जिन्हें हम बराबर का उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों प्रदान करें। तीसरा है समाज में महिलाओं और बालिकाओं की उपस्थिति को प्रोत्साहन। आप देखेंगे, मैंने शुरुआत में ही इस आपसे चर्चा जब शुरू हुई है, मैंने यह बात की है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य इसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं और बालिकाओं की तथा तीसरे जेंडर की उपस्थिति कम रहती है। वह कम इसलिए रहती है कि उनके पास अधिकार ही नहीं है कि वो समाज में बहुत जाएं, उनके अधिकार सीमित है, उनके काम बड़े सीमित हैं, उनकी गतिविधियां बड़ी हमने सीमित कर दी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो जाएंगे ही नहीं समाज में, हमारे मुख्य धारा में आएंगे ही नहीं, तो वह विषय कैसे बनेंगी, पाठ्यचर्या के विषय कैसे बनेंगी, पाठ्यवस्तु उनका, उनकी गतिविधियों को कैसे बनाया जाएगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि इन परिस्थितियों में हम उनको प्रोत्साहित करें, उनको सांस्कृतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में या और जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उस जितनी भी समाज से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हैं, प्रक्रिया है, समस्याएं, सब में उनकी निराकरण में भागीदारी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। यदि नहीं होगी, उनकी उपस्थिति कम रहेगी, तो यह पक्षपात, यहाँ की कमी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पात के रूप में सामने आएगा, तो उस पर ध्यान हमको देना चाहिए। प्रत्यक्ष बाधाओं का निराकरण, जैसे गरीबी, भूभौगोलिक समस्याएं आदि। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष से आशय यहाँ वह है जो सीधे शिक्षा को, सीधे सामाजिक जागरूकता को, वैयक्तिक जागरूकता को या
शिक्षा के अन्य प्रभागों या विभागों को प्रभावित सीधे तौर पर नहीं करती हैं, लेकिन उनको प्रभावित करने में एक कारण वो जरूर बनती है। जैसे कई बार चूंकि देश में इतनी विभिन्नता है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र के किनारे का भाग है, कहीं घाटियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो भूभौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें जीवन बड़ा सहज नहीं है, कठिन जीवन है। उन कठिन जीवन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि वहाँ महिलाओं की उपस्थिति और कम हो जाती है। वहाँ पुरुष शारीरिक रूप से चूंकि बलिष्ठ होता है, ज़्यादा ताकत होती है, तो चूंकि सहज जीवन नहीं है, कठिन जीवन है, चुनौतियों भरा जीवन है, तो इन परिस्थितियों में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा उनकी उपस्थिति वहाँ कम होती है। तो वहाँ तो और पक्षपात होगा, जो वहाँ जब कम से कम उपस्थिति होगी तो वहाँ तो और पक्षपात होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। अब भूभौगोलिक बाधाओं को हम कैसे दूर करेंगे? बच्चों की पहुंच में विद्यालयों को किसी न किसी तरह उपलब्ध कराएं, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर उनको प्राथमिक विद्यालय हो, 6 से लेकर 14 में 2 वर्गों में 1 किलोमीटर में प्राथमिक और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब सरकार को ये उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बच्चे अपनी सुगम पहुँच के द्वारा स्कूलों तक पहुँचे। दूसरा है कि गरीबी, गरीबी एक ऐसा कारण है जो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है। उसमें सामाजिक गतिविधियां, व्यक्तिगत गतिविधियां दोनों प्रभावित होती हैं। जब समाज में बालिकाओं की, महिलाओं की, लड़कियों की उपस्थिति आपको बनानी है तो ऐसी इस काम के लिए आपको उनको उस मसले से दूर रखना पड़ेगा। मतलब उनकी किसी न किसी तरह, ये तुरंत तो खत्म नहीं हो जाएगी कि जादू की छड़ी आप घुमा दें और गरीबी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करें और या कोशिश करें कि किसी न किसी रूप में गरीबी का उन्मूलन हो, जिससे उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो समाप्त हों और सामाजिक गतिविधियों में, प्रक्रियाओं में महिलाओं की, पुरुषों की और तीसरे जेंडर की उपस्थिति बढ़े। जो स्कूल के स्थापना से लेकर उसकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं, उसके पाठ्यचर्या के निर्माण, उसमें पाठ्य वस्तु के चयन, सब में उसकी उपस्थिति बढ़े। इस प्रकार आज हमने बात की आपसे कि विद्यालयों में पाठ्यचर्या के निर्माण में किस प्रकार जो पक्षपात होता है वह किन कारणों से होता है, उसके लिए मैंने 2 बात बताई कि समाज में महिलाओं और बालिकाओं की तथा तीसरे जेंडर की उपस्थिति और उनकी गतिविधियां कम होती हैं, जिसके कारण पाठ्यचर्या के विषय वस्तु कम होते हैं। अब पाठ्यचर्या के विषय वस्तु के अलावा विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शिक्षाटन है, शिक्षा के लिए देश भ्रमण है, इन चीज़ों में भी उसी तरह की गतिविधियां दिखाई देती हैं। महिलाओं और पुरुषों, महिलाओं बालिकाओं और बालकों में तथा तीसरे जेंडर में हम उस तरह का पक्षपात शिक्षक के द्वारा या विद्यालय के द्वारा जाने अनजाने किया जाता है। और इसके इतर हमारे आपके, हमारे अब जिन परिवारों में वह बच्चे पलते हैं वहाँ भी किसी न किसी रूप में यह जेंडर पक्षपात है। अगर वहाँ से कम किया जाए तो विद्यालय में कम होगा, विद्यालय से कम किया जाए तो उनकी पाठ्यचर्या में कम होगा, पाठ्यचर्या में कम किया जाए तो पहले पाठ्य वस्तु में कम होगा, फिर पाठ्यचर्या में कम होगा, फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कम होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक संतुलित पाठ्यचर्या के विकास में या विद्यालय के वातावरण में महिलाओं, बच्चियों की और बच्चों की और तीसरे जेंडर की, छात्रों, छात्राओं और तीसरे जेंडर की, तीनों की समान भागीदारी होगी, उनके विषय समान उसमें सम्मिलित किए जाएंगे और एक संतुलित स्कूलिंग, विद्यालय व्यवस्था का निर्माण होगा। आज की कक्षा में यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।